हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और आज मैं लेके आया हूँ गाइस आपके लिए डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री बॉक्स, और एक है गाइस हमारे पास लिटिल बन्नी की दोस्तों स्टेशनरी सेट, और एक है गाइस हमारे पास काफी अमेजिंग सी दोस्तों एक मेकअप इरेजर सेट गाइस। और इसमें गाइस मेकअप से रिलेटेड गाइस इरेजर गाइस, बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना इन सारी ज्योमेट्री बॉक्स में और इन दोनों सेट में आपको सबसे अच्छा सेट कौन सा लगा गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा तो थैंक यू सो मच वी फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट आज का कलेक्शन शुरू करते हैं। तो आज है गाइस हमारे पास काफी अमेजिंग एक सुपर रेसिंग बाइक दोस्तों, देख सकते हो कितनी अमेजिंग बाइक है दोस्तों। और ये बाइक नहीं है दोस्तों, ये है एक काफी सुंदर सा गाइस एक शार्पनर, वो कैसे चलो दिखाता हूं। तो यहां एक होल है दोस्तों, इसमें पेंसिल डालेंगे फिर पेंसिल को शार्प करेंगे, और देखो दोस्तों ये है काफी सुंदर सा एक शार्पनर दोस्तों, काफी अमेजिंग। और इस शार्पनर को दोस्तों मैंने परचेज किया 30 रुपीज का। आपको ये सुपर रेसिंग बाइक वाला शार्पनर दोस्तों कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हो, नेक्स्ट चीज दिखाते हो। नेक्स्ट गाइस हमारे पास एक यूनिकॉर्न दोस्तों, और देख सकते हो ये यूनिकॉर्न का घोड़ा है, बट ये दोस्तों यूनिकॉर्न का घोड़ा नहीं है दोस्तों, ये है एक शार्पनर। ये देखो दोस्तों कितना अमेजिंग कितना सुंदर शार्पनर, आपको निकाल के दिखाता हूं ये शार्पनर, फिर आप मुझे बताना कैसा लगा आपको ये शार्पनर। ये देखो इस वाले पार्ट को इस तरह निकालेंगे दोस्तों, ये देखो दोस्तों है ना काफी सुंदर काफी गजब गाइस। और ये होल है गाइस यहां पे, इस होल में गाइस हम पेंसिल डालेंगे फिर पेंसिल को शार्प करेंगे। तो आपको ये यूनिकॉर्न घोड़े वाला दोस्तों शार्पनर कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इस वाले शार्पनर को मैंने 30 रुपीज का परचेस किया है दोस्तों। चलो नेक्स्ट चीज का, तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक स्टार स्माइली वाला दोस्तों शार्पनर दोस्तों, ये भी काफी सुंदर है काफी प्यारा शार्पनर है, देख सकते हो। चलो मैं दिखाता हूं अंदर से, तो ये देखो दोस्तों कितना जबरदस्त है। और ये स्टार स्माइली वाले शार्पनर को दोस्तों मैंने 10 रुपीज का परचेस किया है। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं दोस्तों। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक चॉकलेट नोटबुक दोस्तों, और ये चॉकलेट नोटबुक नहीं है दोस्तों, ये काफी अमेजिंग चॉकलेट लुक में दोस्तों है एक काफी प्यारी सी डायरी, वो दिखाता हूं कैसे निकालते हैं बॉक्स से। 40 रुपीज का परचेज किया, और ये देखो दोस्तों वाओ काफी अमेजिंग यार काफी जबरदस्त दोस्तों, ये बिस्किट है काफी अमेजिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है रियल का दोस्तों बिस्किट है चॉकलेट वाला, बट दोस्तों ये है एक काफी सुंदर डायरी, ये देखो दोस्तों कितने जबरदस्त। और इसमें से खुशबू भी बहुत ही ज्यादा अच्छी आ रही है दोस्तों, मेरा तो मन कर रहा है मैं इसे खा लूं, बट इसे मैं खा नहीं सकता दोस्तों ये, क्योंकि ये है एक रियल स्टिक दोस्तों बिस्किट दोस्तों काफी अमेजिंग। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं दोस्तों। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक कंघी दोस्तों, ये कंघी नहीं है दोस्तों, ये है कंघी लुक में हमारा एक पैन दोस्तों, देख सकते हो इसके आगे गाइस हमें एक डायमंड मिल जाता है, काफी सुंदर सा डायमंड मिल जाता है। और ये देखो दोस्तों कितना सुपर पैन है, और जब मैं इसे लिख रहा हूं ना तो देखो दोस्तों मेरे हाथ में कितना अमेजिंग लग रहा है ये कंघे वाला पैन दोस्तों, काफी अमेजिंग। और इस कंघे वाले पैन को दोस्तों मैंने परचेज किया 40 रुपीज का। चलो साइड रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक मेकअप सेट इरेजर गाइस, काफी अमेजिंग है दोस्तों काफी सुंदर है। और इसमें गाइस हमें मेकअप से रिलेटेड चीजें गाइस इरेजर मिलती हैं, तो चलो दिखाता हूं। और इस सेट को दोस्तों मैंने 250 रुपए का परचेज किया, दिखाता हूं दोस्तों किस तरह की इरेजर हमें मिलती है और क्वालिटी कैसी है इन इरेजर्स की दोस्तों। चलो बॉक्स से निकाल लेते हैं दोस्तों, और अब फिर दिखाता हूं आपको इरेजर, आप देख के ना हैरान होने वाले हो ये इरेजर, ये देखो दोस्तों पहले तो काउंट करते हैं इसमें कितने इरेजर मिलते हैं, और ये देखो दोस्तों कितने अमेजिंग है। चलो फटाफट काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 इरेजर मिल जाते हैं। सबसे पहले तो देखो दोस्तों हमारे पास ये है टोपी, ये देखो दोस्तों काफी सुंदर, और ये टोपी नहीं है दोस्तों, ये है एक इरेजर काफी सुंदर सी दोस्तों। और क्या गाइस ये देखो एक नेक्स्ट है गाइस हमारे पास, इसके अंदर मिलता है हमें पर्स, ये देखो दोस्तों पर्स मिलता है, और ये पर्स नहीं है दोस्तों, ये भी एक काफी सुंदर सा दोस्तों इरेजर, ये देखो दोस्तों कितना अमेजिंग कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूं मेकअप बॉक्स दोस्तों, देखो ये है मेकअप बॉक्स, और ये मेकअप बॉक्स नहीं है दोस्तों, ये है एक इरेजर सेट दोस्तों, ये देख सकते हो ये ब्रश है, और ये दोस्तों ब्रश नहीं है, ये भी है एक इरेजर, ये पाउडर मिला है और ये पाउडर भी है दोस्तों इरेजर। तो आपको ये मेकअप बॉक्स इरेजर सेट कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास धूल दबंग वाला दोस्तों एक चश्मा, और ये चश्मा नहीं है दोस्तों, चश्मे लुक में दोस्तों एक है इरेजर दोस्तों, देख सकते हो कितना जबरदस्त कितना अमेजिंग इरेजर है। एक और चश्मा मिलता है दोस्तों, दिखाता हूं आपको ये चश्मा, तो ये देखो दोस्तों कितना अमेजिंग चश्मा मिल रहा है, बिल्कुल रियल चश्मा मिला है दोस्तों काफी सुंदर, और ये भी दोस्तों है एक इरेजर। चलो नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट गाइस इसके अंदर मिलता है हमें कंघी, ये देखो दोस्तों कंघी मिलती है, ये देखो, और ये कंघी नहीं है, ये भी इरेजर दोस्तों। और चीज दिखाता हूं, इसके अंदर सैंडल मिलती है, ये देखो दोस्तों ये सैंडल, देखो कितनी जबरदस्त और कितनी अमेजिंग लग रही है,
है ना, काफी जबरदस्त। और क्या है दोस्तों इसके अंदर गाइस हमें गुलाब मिलता है, और ये गुलाब नहीं है दोस्तों, ये भी है गुलाब लुक में दोस्तों, इरेजर काफी सुंदर सा दोस्तों। और क्या मिलता है ये देखो, एक शीशा, और ये मिरर नहीं है दोस्तों, ये भी है एक इरेजर, देख सकते हो काफी सुंदर। और भी चीजें दिखाता हूँ तो इसके अंदर ये देखो एक पर्स मिल जाता है, हैंड बैग मिल जाता है दोस्तों लुक में दोस्तों, काफी अमेजिंग। और ये हैंड बैग नहीं है दोस्तों, ये भी है इरेजर दोस्तों, काफी अमेजिंग। ये चाबी मिल गई दोस्तों, इसके अंदर एक परफ्यूम मिल गया, यूनिकॉर्न का घर मिल जाता है दोस्तों इरेजर लुक में, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। और क्या मिलता है ये देखो, जूते भी, लॉन्ग जूते मिल गए, और ये देखो परफ्यूम भी मिल गया इसके अंदर, देख सकते हो काफी सुंदर। तो ये सारी तो चीजें मिली है, इन सब इरेजर में आपको सबसे अच्छी इरेजर कौन सी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो साइड रखता हूँ, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ दोस्तों आपको। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक लिटिल बनी की दोस्तों, एक काफी सुंदर सी स्टेशनरी सेट, और इसमें भी दोस्तों हमें काफी अच्छी चीजें मिलती है। चलो फटाफट ये स्टेशनरी सेट दिखाता हूँ, और बैक साइड में दोस्तों हमें मिलता है टाइम टेबल शेड्यूल, देख सकते हो काफी अमेजिंग है। इस स्टेशनरी सेट में हमें तो मिल गया टाइम टेबल शेड्यूल, और आगे चीजें भी मिल जाती है। चलो बॉक्स से निकाल चीजें, फिर आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें मिलती है और किस क्वालिटी की चीजें मिलती है इसके अंदर दोस्तों। टेप हमने कट कर लिया, आप निकालता हूँ दिखाता हूँ दोस्तों इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलती है ये लिटिल बन्नी की दोस्तों। ये देखो दोस्तों कितना अमेजिंग ये स्टेशनरी सेट है। सबसे पहले तो ये देखो दोस्तों, इसमें हमें मिलता है एक रूलर, ये देखो दोस्तों काफी सुंदर सा रूलर मिल जाता है दोस्तों। और क्या मिलता है, ओह वाओ काफी अमेजिंग, इसके अंदर गाइस हमें जंपिंग रूप मिल गई, ओहो वाओ काफी सुंदर काफी प्यारी जंपिंग रूप। और इसकी रस्सी देखो दोस्तों कितनी कलरफुल और कितनी अमेजिंग है यार, काफी सुंदर दोस्तों रस्सी मिल गई इसके अंदर। जंपिंग रूप की क्वालिटी तो दोस्तों काफी अच्छी है। और क्या मिलता है इसके अंदर गाइस हमें मिलता है शार्पनर, काफी अच्छा सा शार्पनर मिल जाता है दोस्तों। और गाइस मिलती है एक इरेजर मिल जाती है दोस्तों इसके अंदर, और गाइस मिलती है दो दो पेंसिल, ये देखो दोस्तों दो पेंसिल मिल जाती है, दोनों गोल्ड पेंसिल है, वुडन पेंसिल मिल जाती है दोस्तों। क्वालिटी काफी जबरदस्त है और साइज भी काफी अच्छा है इन पेंसिल का। और क्या मिलता है दोस्तों इसके अंदर गाइस हमें मिलती है एक डायरी, ये देखो दोस्तों काफी सुंदर डायरी मिल जाती है, और जिसके अंदर गाइस हम अपना मंथ और डेट भी लिख सकते हैं, और आज कौन सा वेदर है ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, काफी सुंदर है, पेजेस भी काफी अच्छे हैं, डायरी की क्वालिटी भी दोस्तों काफी अमेजिंग है। और क्या मिलता है गाइस इसके अंदर गाइस हमें मिलती है ये देखो, ओहो वाओ काफी सुंदर सी गाइस एक ज्योमेट्री बॉक्स, वाओ वो भी मेटल की। इसे ओपन करता हूँ, ओपन करते ही ये देख सकते हो दोस्तों काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स मिल गई। और क्या मिलता है इसके अंदर गाइस हमें मिलती है ये देखो दोस्तों एक लिटिल बन्नी की दोस्तों काफी सुंदर सी एक ट्रे, और ये ट्रे नहीं है दोस्तों, ये है ज्योमेट्री बॉक्स की ट्रे, वाओ काफी अमेजिंग काफी सुंदर यार। ऐसा दोस्तों हमें तो किसी भी सेट में नहीं मिला दोस्तों ट्रे ज्योमेट्री बॉक्स में। और दोस्तों हमें इस वाले सेट में दोस्तों हमें तीन कंपार्टमेंट वाली ज्योमेट्री बॉक्स मिल गई है, और तीन कंपार्टमेंट वाली ज्योमेट्री बॉक्स किसी भी सेट में नहीं मिलती है दोस्तों, काफी अमेजिंग है। और बैक साइड में आप देख सकते हो अल्फाबेट देखने को मिल जाते हैं, और टेबल भी देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, काफी सुंदर यार। चलो साइड रखता हूँ, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास गो टू द मून की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, ये भी काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, और ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स आपने कभी भी नहीं देखी होगी, और इसे 300 रुपीज की परचेज करी है। सबसे पहले तो ये देखो दोस्तों मेटल की है दोस्तों हमारे पास, और गाइस पहले ढक्कन को ओपन करते हैं गाइस इसके अंदर मिलता हमें कैलकुलेटर, ये देखो दोस्तों कितना बड़ा कैलकुलेटर मिल जाता है, कैलकुलेटर की क्वालिटी दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त है, कितनी अमेजिंग है। जब मैं बटन दबा रहा हूँ ना काफी स्मूथली से बटन दब रहे हैं दोस्तों, देख सकते हो काफी इजीली और काफी अच्छा वर्क भी कर रहा है, काफी अमेजिंग है। और आपने ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स, मैंने एक और डाली है वो हेलो किटी की थी, बट उसकी जो ज्योमेट्री बॉक्स थी वो थी प्लास्टिक की, और ये है गाइस हमारी मेटल की। चलो ढक्कन ओपन करता हूँ, ढक्कन ओपन करते इसके अंदर स्पेस देखते हैं, ढक्कन ओपन करते ही गाइस हमें एक ट्रे मिलती है जिसपे गाइस हमें टेबल देखने को मिल जाती है। इस ट्रे को हटाएंगे तो नीचे गाइस एक और कंपार्टमेंट मिलता है, इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारे स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। तो ये 360 रोटेट भी हो रहा है दोस्तों कैलकुलेटर, ये तो काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त और काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। आपको कैसी लगी ये कैलकुलेटर वाली ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखता हूँ, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स, काफी सुंदर है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, और दिखाता हूँ। और ये है ना ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों, वो कैसे, पहले तो इसका प्राइस बताता हूँ। इसे मैंने 100 रुपीज का परचेज किया, इसे तो मैंने आपका प्राइस बता ही दिया था। चलो निकालता हूँ और दिखाता हूँ दोस्तों इसमें हमें क्या क्या चीजें मिलती है और किस तरह की चीजें मिलती है। तो पहले तो पन्नी से निकाल लेते हैं दोस्तों, तो बैक साइड में देख सकते हो हमें तो काफी अच्छा गाइस एक मिल जाता है दोस्तों व्हाइट बोर्ड दोस्तों। फ्रंट में देखो दोस्तों हमें इसके अंदर देखो कितनी सारी चीजें मिल जाती है, लॉक है, इस लॉक को ओपन करते हैं, अंदर देखते हैं दोस्तों हमें क्या मिलता है। ये देखो सबसे पहले तो देखो दोस्तों ढक्कन है, ढक्कन दोस्तों काफी ट्रांसपेरेंट है, काफी अमेजिंग है। इसके अंदर गाइस हमें मिलता है एक शार्पनर दोस्तों, काफी सुंदर सा, काफी अच्छे कलर का दोस्तों शार्पनर मिल गया।
और क्या मिलता है, और इसके अंदर गाइज हमें मिलती है एक गाइज पेंसिल, और प्रिंसेस की फोटो छपी है इन पेंसिल के ऊपर। देख सकते हो कितनी जबरदस्त है, कितनी अमेजिंग है दोस्तों। गोल्ड पेंसिल मिल जाती है, वुडन पेंसिल मिल जाती है, और गाइज मिलता है इसके अंदर एक इरेजर मिल जाती है दोस्तों, काफी सुंदर सी। और गाइज हमें मिलती है इसके अंदर एक काफी प्यारा 15 सेंटीमीटर का रूलर, ये देखो दोस्तों काफी सुंदर रूलर भी मिल गया। और ये क्या दोस्तों, इसके अंदर मार्कर मिला है, मार्कर मिला है दोस्तों हमारे व्हाइट बोर्ड पे वर्क करने के लिए। तो चलो इस व्हाइट बोर्ड पे कुछ वर्क करते हैं। जैसे मेरा नाम विवेक है, विवेक लिख लेता, विवेक लिख लिया है ना, और विवेक मेरा नाम है। चलो अब इसे मिटाते हैं, देखते हैं कैसा मिटता है, इजीली से मिटता है नहीं मिटता। तो ये देखो दोस्तों मिट गया, ये देखो कितने इजीली से और कितने अच्छे से मिट गया, पता भी नहीं चल रहा कि हमने इस वाइट बोर्ड पे कुछ वर्क भी किया था दोस्तों। नीचे वाले कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। तो चलो इसे साइड रखते हैं, नेक्स्ट ये दिखाता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिकॉर्न का कैलकुलेटर वाली ज्योमेट्री बॉक्स, काफी अमेजिंग है, काफी सुंदर है, काफी डिफरेंट है गाइज। और दिखाता हूं दोस्तों ये ज्योमेट्री बॉक्स, फिर आप मुझे बताना आपको कैसी लगी। निकाल लेता हूं पन्नी से दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स को। तो ये देखो दोस्तों काफी सुंदर है गाइज। हमें फ्रंट में गाइस एक ट्रे मिलती है, इस ट्रे को हटाएंगे तो नीचे गाइस हमें मिलता है कैलकुलेटर, यानी कैलकुलेटर का ढक्कन है दोस्तों इसमें। और ये देखो दोस्तों कैलकुलेटर है, और सबसे अच्छी बात है दोस्तों ये सोलर कैलकुलेटर है, यानी गाइस इसमें हम सेल नहीं डालेंगे, ये सोलर यानी सूरज की किरणों से चार्ज हो जाएगा दोस्तों ऑटोमेटिक। ये देख सकते हो कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर की क्वालिटी देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त है, कितनी अमेजिंग है। चलो कुछ टाइप करते हैं और फिर दिखाता हूं है ना इसे। तो ये सबको बंद कर देते हैं है ना, जीरो कर देते हैं, सिक्स करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई और फिर फाइव करते हैं, इक्वल टू देखते कितना आंसर आता है। तो ये देखो 30 आंसर आ चुका है, काफी अमेजिंग, काफी जबरदस्त अच्छी क्वालिटी का दोस्तों हमें कैलकुलेटर मिल गया। और इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने 150 रुपीज का परचेज किया। ढक्कन ओपन करता हूँ, ढक्कन ओपन करते ही कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है, एक ट्रे मिलती है जिसके अंदर ऊपर गाइज हमें टेबल देखने को मिल जाती है गाइज, और इसके नीचे गाइज हमें एक कंपार्टमेंट मिलता है, इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। काफी सुंदर है, काफी जबरदस्त, मेरे को ये कैलकुलेटर तो काफी अमेजिंग लगा दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है इसमें ऑफ का भी बटन मिल जाता है दोस्तों, जिससे गाइज हमारा कैलकुलेटर ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होगा, केवल बटन दबाते ही ऑफ हो जाएगा दोस्तों हमारे ये कैलकुलेटर दोस्तों। चलो साइड रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास बिल्कुल प्यारी और काफी सुंदर और काफी चीपेस्ट ज्योमेट्री बॉक्स, दिखाता हूँ। केवल मैंने 30 रुपए की परचेज की है, 30 रुपीज की, और दिखाता हूँ दोस्तों इसके अंदर क्या मिलता है। तो पहले तो देखो दोस्तों फ्रंट में गाइज हमें गेम्स मिल जाती है इसके अंदर, ये देखो दोस्तों दो कंपार्टमेंट, दोनों कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें गेम्स मिल जाती है, देख सकते हो इसके अंदर है ना गेम्स मिल गई, गोलियां डली और गेम्स मिल गई, काफी अमेजिंग। और चलो ओपन करके देखते हैं इसमें कितना स्पेस है, ढक्कन ओपन करते हैं और इसके अंदर का कंपार्टमेंट देखते हैं कितने कंपार्टमेंट मिलते हैं, कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन करते ही गाइस इसमें एक ही कंपार्टमेंट मिलता है दोस्तों, और इसमें काफी अच्छी गहराई है, और इसमें हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। तो चलो साइड रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर सी कट वाली दोस्तों पेंसिल बॉक्स, काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त है, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, और ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स आपने कभी भी नहीं देखी, वो कैसे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये ज्योमेट्री बॉक्स। सबसे पहले तो गाइस इसे ओपन करने के लिए दोस्तों हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, पासवर्ड कहाँ है, पासवर्ड गाइस ये स्टिकर, इसके नीचे गाइस हमें पासवर्ड मिल जाता है, पासवर्ड क्या है 245, तो 2 को गाइस हम नीचे करेंगे दोस्तों, और 4 को नीचे करेंगे, 5 को भी नीचे करेंगे दोस्तों, और फिर इस वाले बटन को दबाएंगे और ढक्कन ओपन हो जाएगा, यानी लॉक ओपन हो जाएगा, फिर ढक्कन ओपन करेंगे। ढक्कन ओपन करते गाइस कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है अंदर से, और अंदर भी गाइस हमें एक पासवर्ड मिलता है, पासवर्ड क्या है दोस्तों देख सकते हो 123 है, तो 1 को नीचे करेंगे, 2 को भी नीचे करेंगे दोस्तों, 3 को भी नीचे कर देंगे, फिर इस वाले बटन को दबाएंगे और ढक्कन ओपन हो जाएगा। ढक्कन ओपन होते ही ओहो वाह नीचे कंपार्टमेंट मिलता है, इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्पेस है दोस्तों, जिसमें हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है गाइस इसके अंदर दो दो व्हाइट बोर्ड मिल जाते हैं दोस्तों हमें, और ये देख सकते हो। और ये क्या दोस्तों, ये कंपार्टमेंट तो ऊपर हो गया, नीचे गाइस हमें काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और इसके ढक्कन ओपन करते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या है, कुछ आवाज आ रही है। तो ये देखो ओह वाओ काफी अमेजिंग हिडन कंपार्टमेंट है यार, ये तो काफी अमेजिंग, और इसके अंदर गाइस हमें मिरर भी मिल जाता है ओहो वाओ, जिसमें गाइस हम अपना फेस भी देख सकते हैं दोस्तों। और ये देखो दोस्तों एक कंपार्टमेंट है, और इसमें दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा, और गाइस इसमें गाइस हमें मिलता है एक मार्कर, जिससे गाइस इस व्हाइट बोर्ड पे हम अपना वर्क कर सकते हैं दोस्तों। काफी जबरदस्त है, नीचे की गहराई भी दिखाऊं तो कितनी ज्यादा गहराई है नीचे वाले कंपार्टमेंट में, और इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। तो चलो साइड रखते हैं इसे, नेक्स्ट ये दिखाता हूं दोस्तों आपको। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्या है गाइस हमारे पास, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक बुलेट ट्रेन वाली ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी काफी सुंदर है, काफी प्यारी है। और ये क्या इसके अंदर लिक्विड, ओ वाओ, और ये क्या है यार इसके अंदर, क्या है ये क्या है यार इसके अंदर, ये क्या है ये, ओ
टर्टल ओ कछुआ ओ वाओ काफी अमेजिंग यार, कछुआ तैर रहा है यार काफी सुंदर। चलो ढक्कन ओपन करते हैं और नीचे क्या हमें चार चार व्हील भी मिल जाते हैं। ओहो वाओ, और ये क्या, यहाँ तो गाइस हमें शार्पनर दिख रहा है। ओ अमेजिंग, ढक्कन ओपन करा और इसमें गाइस हमें शार्पनर कंपार्टमेंट मिल जाता है दोस्तों विद शार्पनर। काफी अमेजिंग यार, काफी जबरदस्त। ये बुलेट ट्रेन की ज्योमेट्री बॉक्स मुझे काफी जबरदस्त लग रही है, काफी अमेजिंग लग रही है दोस्तों। ढक्कन ओपन करता हूँ, ढक्कन ओपन करते काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है और गहराई काफी जबरदस्त है। और इसके अंदर गाइस हमें एक दो तीन तीन गाइस पेंसिल लॉक मिल जाते हैं काफी सुंदर से दोस्तों। चलो बैक साइड की बात करते हैं, बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते हैं। बैक साइड ढक्कन ओपन करते ही गाइस इसमें भी काफी अच्छा स्पेस है और इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। तो ये बुलेट ट्रेन वाली ज्योमेट्री बॉक्स मुझे काफी जबरदस्त लगी, काफी अमेजिंग लगी दोस्तों। आपको कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट दिखाता हूं दोस्तों आपको। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न का, गाइस ये देखो ज्योमेट्री बॉक्स। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में थर्माकोल बॉल्स देखो, कितने सारे थर्माकोल बॉल्स है देख सकते हो, काफी अमेजिंग है। लॉक है, इस लॉक को ओपन करता हूँ, इस लॉक को ओपन करते ही ढक्कन ओपन करता हूँ, ढक्कन ओपन करते ही कंपार्टमेंट मिलता है दोस्तों जिसमें गाइस काफी अच्छा है स्पेस है। चलो इसे हटाते हैं, तो इसे हटाते गाइस नीचे एक और कंपार्टमेंट है, इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारे स्टडी मटेरियल आ जाएगा। बट इसके अंदर जो थर्माकोल बॉल्स है ना वो काफी अमेजिंग लग रहे हैं, काफी जबरदस्त लग रहे हैं दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट ही दिखाता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी अमेजिंग सी मरमेड की ज्योमेट्री बॉक्स। और इसके अंदर देखो दोस्तों हमें क्या मिल रहा है, इसके अंदर तो दोस्तों कंघा मिल रहा है। ओहो वाओ, काफी सुंदर। चलो निकालता हूँ, दिखाता हूँ। और इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने 120 रुपीज का परचेज किया है और दिखाता हूँ दोस्तों ये कंघे वाली ज्योमेट्री बॉक्स। ये देखो, पहले तो देखो तो ये कंघा है, कंघा निकल नहीं रहा, यानी ढक्कन है, ढक्कन ऊपर करेंगे और ये कंघा मिल जाता है दोस्तों। देख सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों कंघा मिल जाता है, देख सकते हो काफी अमेजिंग। जब मैं अपने हाथ से मोड़ रहा हूँ तब भी ये कंघा नहीं मुड़ रहा है दोस्तों। और गाइस हमें इसके अंदर एक मिरर भी मिल जाता है जिसमें गाइस हम अपना फेस भी देख सकते हैं, काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग दोस्तों। कंघा प्लस मिरर मिल गया इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। चलो अब ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन करते ही ओ वाओ, ये देखो दोस्तों एक ट्रे है और इस ट्रे पर गाइस हमें टेबल देखने को मिल जाती है दोस्तों। और नीचे एक और कंपार्टमेंट मिलता है, इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। तो आपको ये कंघे वाली और शीशे वाली ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो नेक्स्ट चीज का, तो नेक्स्ट चीज है हमारे पास एक और यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों। और इसका लुक देखो पहले कितना डिफरेंट है, कितना अलग गाइस इसका लुक है। चलो ओपन करता हूँ, ओपन करते गाइस हमें गाइस इसके अंदर मिलता है ओहो दो दो शार्पनर। वाओ, एक छोटा सा शार्पनर, एक बड़ा शार्पनर। छोटा शार्पनर होता है वो हमारी कलर पेंसिल और क्रियंस कलर को शार्प करने के लिए होता है, बड़ा शार्पनर होता है वो हमारी पेंसिल को शार्प करने के लिए होता है दोस्तों। काफी जबरदस्त है, काफी अच्छा स्पेस है और इसमें गाइस हमें एक दो तीन चार पाँच पाँच पेंसिल लॉक मिल जाता है, काफी अच्छा एक कंपार्टमेंट दो दो कंपार्टमेंट भी मिल जाते हैं दोस्तों, काफी अमेजिंग है। चलो बैक साइड की बात करते हैं, बैक साइड का रखा ओपन करते हैं, तो बैक साइड में भी काफी अच्छा स्पेस है और इसमें भी दोस्तों हमें काफी सारे ओ ये देखो ये क्या है ये दोस्तों, इसके अंदर तो दोस्तों टेबल भी लिखी है दोस्तों इस वाले कंपार्टमेंट के अंदर, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। बट इसका जो डिजाइन है ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा दोस्तों। तो और क्या है दोस्तों हमारे पास, तो गाइस ये थी गाइस आज की वीडियो। और आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो सच बताऊं ये कुकीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी दोस्तों, यानी कुकीज डायरी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और ये गाइस मेरी ये मेकअप इरेजर सेट ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा दोस्तों। आपको क्या लगा बस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करते तो ब्रैकेट में अपना नाम जरूर लिखना। ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे से कलेक्शन के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।